तो गाइस असगर अफगान को जब उनके आखिरी मैच के खत्म होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उनकी आंखें नम हो गई और वो रोने लगे और थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, जब उनसे पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि जो आखिरी मैच था उनका पाकिस्तान के साथ, वो जो हारे तो उनको ये बहुत ही सदमा लगा इससे और बहुत ही बुरा महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको उनके रिटायर होने की वजह एक ये भी है कि वो यंग प्लेयर को चांस देना चाहते हैं उनके खुद की जगह पर, और वो चाहते हैं कि एक अच्छा जो प्लेयर है, मुझसे भी अच्छा प्लेयर है, उसको चांस मिले मेरी जगह टीम के अंदर। तो असगर अफगान का जो रिकॉर्ड है T20 एज ए कैप्टन अफगानिस्तान का, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं इन स्टैट को कि उन्होंने 52 मैचेस में से 42 जीते हैं, और ये महेंद्र सिंह धोनी से भी बेहतर रिकॉर्ड है, एवन मॉर्गन से भी बेहतरीन रिकॉर्ड है, और सरफराज खान से भी बेहतरीन रिकॉर्ड है। तो इसी की वजह से T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाई अफगानिस्तान की टीम, डायरेक्टली ग्रुप स्टेज में आ गई, और बाकी टीमों को मेहनत करनी पड़ी और उनको क्वालिफाइंग मैच खेलने पड़े, और इसी वजह से अफगानिस्तान की टीम जो है वो अब बेस्ट T20 टीम्स में गिनी जाने लगी है और ना कि एक छोटी मोटी टीम की तरह जानती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइस बाय।